फाइनली आप देख सकते हो हमारे सामने दो बीस्ट खड़ी हुई हैं, दोनों जापानीज़ मशीन्स हैं, दोनों बाइक कावासाकी हैं, एक नेकेड में टॉप नॉच है तो एक ट्रैक मशीन में टॉप नॉच है। तो एक है लीटर क्लास, एक है 949 सीसीज का इनलाइन फोर है, दोनों में दोनों बहुत ही मतलब पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन है। एक क्लॉक करती है फर्स्ट गियर में 100 और एक क्लॉक करती है फर्स्ट गियर में 160। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बाकी दोनों की दोनों बाइकें बहुत ही ब्रूटल हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिखाई चुका हूँ मैं किस वीडियो मतलब इस वीडियो में क्या लेके आया हूँ। तो दो ट्रैक क्या मतलब इन सुपर बाइक्स की आप ट्रैक तो कभी कर ही नहीं सकते हो, तो रोलिंग करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल आप लोग को वेट नहीं कराऊंगा, आप सीधा मिलूंगा बाइक पे। बाकी यार कितने भी बाल बाल मेंटेन कर लो, हेलमेट लगाने के बाद सबका यही हाल हो जाता है। तो चलो ये स्पेसिफिक वीडियो आपका इसीलिए होने वाला है, तो बिना लेट करे चलते हैं सीधा बाइकों पे और फुल थ्रॉटल जाने वाले हैं, कहीं से भी बिल्कुल भी कमी आपको नहीं लगने वाली है। तो चलो सीधा बाइक पे और मोटो व्लॉग पे मिलते हैं। 40 की स्पीड, 40 की, 20 की, हॉर्न दीजिए, आप दीजिए हॉर्न। ओ भाई अभी भी खड़ी हो रही है और अपने दार ने अभी पावर दिखाई कि भाई वो फर्स्ट गियर में आती है 160। अरे भाई तो लॉन्चिंग मैसेज आपके भाई की इतनी अच्छी होगी ये मैंने सोचा नहीं था, मतलब इतनी अच्छी लॉन्चिंग होगी मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक बार और करके देखते हैं, एक बार और। मेरा कैमरा पीछे उड़ गया था, एक सेकंड रुकिए। चलो एक बार फिर से लॉन्च करके देखते हैं। ये देखिए डनारमी से आगे जाना शुरू, और मतलब थोड़ी देर तो साथ में चलते हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद तो गोली की रफ्तार हो जाती है। भैया 248। अब आपकी बात क्या ही कहना भैया, 100 BHP भी तो ज्यादा हो। तो खतरनाक सी आपने एक परफॉर्मेंस देखी है। देखो इनिशियल में मैंने कहा था पहले भी कि कुछ सेकंड तक साथ रहेंगे, उसके बाद तो वो गोली की रफ्तार से भागेगी। तो चलो एक बार वीडियो में चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से और मजे लेते हैं बाइकों के। तो अब मैं स्विच कर चुका हूँ टेनार पे, तो अब चलने वाले हम लोग टेनार से। अब हम तैयार में चलने वाले हैं। तो व्हीली आने वाली है अभी एक, और कितनी सेक्सी लग रही है भाई अपनी इसी बगल पे चलते हुए। नहीं कर पाया मैं, बट आप देख सकते हो टेनार इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि आपको
जी का नामो निशान नहीं दिख रहा होगा। और फिलहाल जी आ चुकी है बगल में, ये निकली जी आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग किनार पे हैं, और ये देखो आप क्या तो भाग रहे हैं भाई। बहुत ब्रूटल मशीन है, मतलब इस मशीन की मैं क्या ही बात करूँ, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है ये। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इधर से विंड ड्रैग बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो थोड़ी देर आती है जी बगल में, उसके बाद ये पीछे रह जाती है, और उसके बाद तो खतरनाक मशीन यार, बहुत ही खतरनाक मशीन है ये, मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे आपने अभी देखा 10R और Z900 का कंपैरिजन वीडियो, तो आपको कैसी लगी 10R ज़रूर बताना। वो देखो जी जा रही है वहाँ उड़ती हुई। भाई आपने देखा अभी 10R की पावर कैसी है, और आपने कंपैरिजन वीडियो भी देख लिया है Z900 से 10R का, तो थोड़े सेकंड्स तक बराबरी में आती है। तो यार GoPro की हमेशा की दिक्कत यही रहती है कि वो चलते चलते कभी भी बंद हो जाता है, तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हैंग हो गया, तो एंड में शूट नहीं कर पाया GoPro से, तो घर आके कर रहा हूँ। जस्ट अभी वीडियो एडिट कर रहा था, अभी टाइम हो रहा है रात का 1 बज रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। बाकी आपको दो अलग वीडियोस और मिलने वाले हैं, एक तो 10R के ऊपर होगा जिसमें हम लोग 300 क्लॉक करने वाले हैं, दूसरा भाई इतने लोग मिले हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रोड प्रेजेंस इस दोनों बाइक की कैसी है। तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।